हरे कृष्णा। आज रात की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे हम 9 कार्ड, साथ ही साथ लेंगे क्लैरिफायर और एक फॉर्चून कुकीज में से मैसेज लेंगे और उनके जज्बातों को अच्छी तरीके से जानने के लिए। जैसा कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला जो कार्ड मिला है हमें वो है किंग ऑफ वैंड्स का, तो वो फायर साइन है, एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली सोच रहे हैं, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि आप ही के ख्यालों में ये खोए हुए हैं या खोई हुई है। बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, लेकिन आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके ज़रूर कुछ ना कुछ डीप थिंकिंग चल रही है। फिर है थ्री ऑफ कप्स, वाटर साइन है कैंसर स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे आज संडे की एनर्जी है तो हो सकता है अपने दोस्तों के साथ थोड़ा वक्त बिता रहे हैं, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या तो ये ऑनलाइन अपने फ्रेंड्स से बातें वगैरह कर रहे हैं, और अगर मिलने जुलने का काफ़ी ज़्यादा शौक है यानी कि सोशली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो राइट नाउ आप कह सकते हैं कि बाहर ही अपने दोस्तों के साथ और वहाँ पे अपनी लव लाइफ का लेके कुछ डिस्कशन चल रहा है। फिर है फोर ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन है जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस, मैनिफेस्टेशन चल रहा है, यानी कि इनको पता है कि हर रात की तरह आज भी इनके दिलो दिमाग में अगर कोई बात चल रही है तो वही, मतलब आज का दिन भी आपके बगैर इनकी ज़िंदगी का कैसे गुजर गया है और एज सुन एज पॉसिबल कैसे ऊपर वाला मदद करे इनकी ज़िंदगी में आपको लाने के लिए, इसी को लेके ये सोच रहे हैं या सोच रही है। फिर है द हर्मिट, वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। जैसे यहाँ पे हर्मिट मोड, ये भी रात के वक्त लैंटर्न लेके कुछ ढूंढ रहा है, वैसे ही आपके पर्सन हो सकता है अपने दोस्तों से कम्युनिकेट करके अपने प्रॉब्लम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जब खुद की समझ में कई बार बातों का एक ऐसा माहौल चल रहा है कि कुछ भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा, तो हमें लगता है कि किसी से तो हम बातें शेयर करें, वैसे इंसान के साथ जो हमें बचपन से या फिर बहुत अच्छी तरीके से जानता है, और इनके दोस्त शायद कुछ क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनसे इनकी कोई भी बात छुपी नहीं रहती, और उसी पर्सन के साथ या फिर उन्हीं लोगों के साथ ये कुछ डीप थिंकिंग करके प्रॉब्लम सॉल्व करने की या तो कोशिश कर रहे हैं या फिर उनसे अपने प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। फिर है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी जैसे पीछे बैकग्राउंड में दो लोग हैं और ये पर्सन सॉर्ड्स लेके कुछ सोच रहा है, वैसे ही उन्होंने जो भी इनको सलाह मशवरा दिया है ये उसके ऊपर ज़रूर गौर कर रहे हैं, यानी कि रीथिंकिंग चल रहे हैं। फिर है सेवन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे तो काफ़ी सारे विशेष हैं इस पर्सन की जो एक के बाद एक ये पूरी करते आए हैं। अब वक्त है 10 ऑफ कप की एनर्जी में पहुँचने का, यानी कि अभी भी 3 कप की एनर्जी मिसिंग है। एक है आपके प्यार का कप और एक हो सकता है घर वाले इनकी बात एक्सेप्ट करें ये, और दूसरा कप हो सकता है, मतलब तीसरा कप हो सकता है कि आपके घर वाले भी इनको एक्सेप्ट करें। अगर ये सब बातें सॉर्ट आउट हो जाती है तो इनको 10 ऑफ कप की एनर्जी में पहुंचने से कोई दिक्कत नहीं, ऐसा शायद ये सोच रहे हैं। फिर है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस। 4 ऑफ सॉर्ड्स के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है कि काफ़ी ज़्यादा बेचैनी का आलम रहता है, स्पेसिफिकली रात के वक्त, तो इन्हें वो खामोशी या फिर रात का सन्नाटा काटने को दौड़ता है क्योंकि इनके दिलो दिमाग से आपकी बातें हटती नहीं है, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि ये ठीक से सो नहीं पा रहे। यहाँ पे भी ये पर्सन सोने की कोशिश कर रहा है लेकिन सो नहीं रहा है, हाथ जोड़ के दुआएं प्रार्थनाएं चल रही है, और जैसे 9 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड हमने देखा वहाँ पे भी वही है, सिर को हाथ लगा के ये बस कोशिश कर रही है किसी भी तरह से अपने आप को शांत रखने की। आपके पर्सन की भी हालत इससे कुछ अलग नहीं है। और ये जो कार्ड नेक्स्ट मिला है वो है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन है कैंसर स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। प्यार के जज्बातों को ये अपने दिल से रोक नहीं पा रहे, मतलब उमड़ उमड़ के ख्याल आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फील करते हैं आपको लेके, जिस वजह से आप कह सकते हैं सैटरडे संडे को लेके एक अलग ही एनर्जी रहती है इनके दिलो दिमाग में, और वही बातें शायद ये आपको समझाना भी चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस, तो किंग ऑफ वैंड्स भी आया है और क्वीन
ऑफ वैंड्स भी आया है, जिसका मतलब ही है कि ये पर्सन आपको अपना बेटर हाफ समझते हैं। वैसे ही उनको लगता है कि अगर मेरे लिए दुनिया में सबसे सही कोई है जिसके साथ मैं ज़िंदगी भर खुश रह सकता हूँ या खुश रह सकती हूँ, तो वो है ये पर्सन। यानी कि आपको पता भी नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि उन्हें उनका परफेक्ट मैच मिल चुका है, जिस वजह से ये अपनी लव लाइफ को लेके तो काफ़ी ज़्यादा चेयरफुल है या फिर खुश है। अब देखते हैं किंग ऑफ वैंड्स के लिए क्लैरिफायर हमें क्या मिलता है, इतना ज़्यादा क्या सोच रहे हैं ये। द हीरोफोंट, यहाँ पे वही बातें आ रही हैं, शायद इनको थोड़ा अपने आप को शांत रखने की ज़रूरत है। जैसे ये किसी से मेडिटेशन वगैरह सीख रहे हैं, क्योंकि जब तक अपने मन को शांत नहीं करेंगे कुछ क्लैरिटी नहीं मिलेगी। जैसे सिर्फ जिद में या फिर आप कह सकते हैं जोश में आगे बढ़ने से रास्ते मिलते हैं, ऐसा नहीं, तो वो भी शायद अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही है। थ्री ऑफ कप्स के लिए देखते हैं हम क्यों ऐसा डिस्कशन कर रहे हैं। कार्ड मिला है एस ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये कार्ड रिवर्स आए हैं, जिसका मतलब है कि ये इसलिए दोस्तों से बातचीत वगैरह कर रहे हैं क्योंकि इनके दिलो दिमाग में कुछ नए आइडियाज़ ये नहीं महसूस कर रहे और इनको पैशनेटली आगे तो बढ़ना ही है। अब ऐसे वक्त में अगर खुद का दिमाग काफ़ी ज़्यादा उलझनों में फंसा है तो इनको लगता है कि फ्रेंड सर्कल से ज़्यादा कुछ आइडिया इनको मिल सकता है, शायद इसलिए ये सब बातें डिस्कस कर रहे हैं। फिर है फोर ऑफ सॉर्ड्स के बिल्कुल ऊपर आया हुआ ये क्लैरिफायर की टेम्परेंस, यहाँ पे भी वही है, रात का वक्त है और इनको ज़रूरत है पूरा फोकस करते हुए पॉजिटिव थिंकिंग करने की। यानी कि हो सकता है आपको हद से ज़्यादा मिस करते हैं, इस वजह से थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट में फंस जाते हैं कि हे भगवान कहीं ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, और यही बातें उनको ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी जिस वजह से ये रात रात भर जगते रहते हैं। अब देखते हैं हार्मिट कार्ड के लिए कौन सा क्लैरिफायर मिला है। यहाँ पे मिला है थ्री ऑफ कप्स, तो पक्का ये पर्सन अभी भी शायद रात के वक्त अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम पास करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी से तो अपने दिल के जज्बात शेयर करना चाहते हैं कि मुझे ज़िंदगी में प्यार के बदले क्या मिला है, मतलब आपको लेके काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और जैसे काफ़ी वक्त से अगर आपके साथ साइलेंट मोड चल रहा है तो आपको भी अगर ये दिल की बातें शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो आज खुल के अपने दिल के हर एक राज शायद ये अपने दोस्तों से बता रहे हैं। फिर है फाइव ऑफ सॉन्ड्स के ऊपर क्लैरिफायर मिला है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी वही है, तीन लोग कुछ डिस्कशन कर रहे हैं और ये सॉर्ड लेके आगे जा रहा है, और यहाँ पे भी वही है कि तीनों मिलके कुछ ना कुछ आइडिया लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे या तो अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए ये दोस्तों की हेल्प ले रहे हैं, या फिर अपने घर वालों को मनाना चाहते हैं, या फिर छोटे मोटे जो करियर के प्रॉब्लम हैं मे भी उनको सॉर्ट आउट करने के लिए इस तरह के कुछ डिस्कशन में राइट नाउ ये दोस्तों के साथ है। अब देखते हैं सेवन ऑफ कप्स के लिए कौन सा कार्ड मिला है। यहाँ पे मिला है क्लैरिफायर टेन ऑफ वैंड्स, ये पर्सन चाहते तो है कि अब जो दो तीन ख्वाहिशें इनकी पेंडिंग है वो टेन ऑफ कप को तक पहुँचने के लिए वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएं। यानी कि जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पे सेवन कप्स तो इनको मिल ही चुके हैं, तो ये पर्सन एज सुन एज पॉसिबल उस एनर्जी में पहुँचना चाहते हैं। यानी कि रोमांटिकली ऑब्वियसली लव मैरिज के ख्याल इनके दिलो दिमाग में है, लेकिन हो ये रहा है कि इनके टेन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी मिल रही है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारा काम है या फिर इनके सामने ही कई सारे दिक्कतें हैं और ये अकेले ही उन प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। ऐसे में अगर कोई हाथ बटाने के लिए आ जाए या फिर हमें सहारा देने के लिए आ जाए तो बात बदल जाती है, और शायद इसलिए ये आप कह सकते हैं फ्रेंड सर्कल में हैं या फिर उनकी हेल्प लेने के बारे में सोच रहे हैं। नाइन ऑफ सॉर्ड्स के लिए क्लैरिफायर मिला है किंग ऑफ सॉर्ड्स, तो प्लानिंग तो काफ़ी ज़्यादा चल रही है। जैसे यहाँ पे ये सोच सोच के परेशान है कि हे भगवान अब मैं करूँ तो क्या करूँ, अच्छा खासा बेड है लेकिन इसको नींद नहीं आ रही। वैसे ही इनको लग रहा है कि कोई तो मुझे रास्ता बता दे, अब बस बहुत हुआ, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं सोच सकता या नहीं सोच सकती, तो स्टक हो गए हैं अपने माइंड में स्पेसिफिकली आपके ख्यालों को लेके। और नेक्स्ट मिला है किंग ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। एस ऑफ कप के लिए ये क्लैरिफायर मिला है जो बताता है कि इनका मन तो कर रहा है कि जैसे हवा में उड़ते हुए आप तक पहुंच जाए और अपने प्यार का कप आपको देते हुए वो सब दिल की बातें बताएं जो शायद ये राइट नाउ आपके बारे में सोच रहे हैं या फिर आपको कहना चाहते हैं। अब देखते हैं फाइनल कार्ड हमें क्या मिलता है। यहाँ पे दो कार्ड्स मिले हैं क्वीन ऑफ वैंड्स के लिए,
फोर ऑफ कप्स यानी कि इनको इंतज़ार है कि कोई तो इनकी लव लाइफ में हेल्प करने के लिए आ गया है। जैसे यहाँ पे ये पर्सन है, ये समझ रहा है कि ये पर्सन ज़रूर परेशान है और ये अपनी तरफ से इसकी मदद करने के लिए आप कह सकते थोड़ा सा आगे आ रहा है। तो आपके पर्सन भी शायद लव लाइफ में किसी की मदद चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि या तो ये अपने घर वालों से थोड़ा सा आप कह सकते हैं उनकी ज़िद के सामने अपनी बात मनवाने के लिए इस तरह से सोच रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट भी मिला है सेवन ऑफ वैंड्स। काफ़ी सारे हाथ हैं, मतलब आगे जाने के लिए इनको रोकने वाले काफ़ी सारे लोग हैं इनके इर्द गिर्द, और शायद इसीलिए ये अपने साथ भी उन लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं जो इनका सपोर्ट बन के इनके साथ खड़े हो जाएं, या फिर इनका साथ देते हुए इनकी बाजू या फिर इनकी साइड संभालें। और शायद इसीलिए ये अपने लव लाइफ को सुलझाने के लिए अपने दोस्तों से दिल की हर एक बात शेयर कर रहे हैं, क्योंकि मिस तो काफ़ी ज़्यादा ये करते ही रहते हैं आपको, लेकिन फ्रेंड शायद कुछ अच्छे भी हैं जो इनकी दिल की हर एक बात समझते भी हैं। अब देखते हैं हमें फॉर्चून कुकीज़ में से कौन सा कार्ड मिला है। विजडम, टू फोकस ऑन द पास्ट इज़ टू लूज द फ्यूचर, हीड एडवाइस फ्रॉम एन ओल्डर पर्सन विच विल अलाउ यू टू मूव ऑन। तो यहाँ पे एडवाइस की बात चल रही है, इन्हें पता है कि इनको ज़िंदगी में अगर खुशियाँ चाहिए, सुकून चाहिए, तो इसके लिए फ्यूचर को लेके इनको सोचना पड़ेगा। मतलब पास्ट में शायद इस पर्सन ने कुछ अपने हिसाब से ऐसे फैसले लिए हैं जिसके बारे में आज भी कई बार ये सोचते हैं कि मैंने ऐसा फैसला क्यों किया, और शायद इसीलिए ज़िंदगी का कोई भी बड़ा फैसला लेते वक्त ये दो चार लोगों की एडवाइस लेना पसंद करते हैं, क्योंकि ये श्योर नहीं होते कि जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ क्या यही मुझे मिलेगा जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, और शायद इसीलिए ये इस तरह से डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि उनके एडवाइस से ये समझ पाएंगे कि मूव ऑन होने के लिए इनके लिए सही रास्ता या सही ऑप्शन क्या है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।